हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है गाइस, वो हो रहा है दुबई से स्टार्ट। ये देख सकते हैं आप गाइस, आज ये जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है चंडीगढ़ 34 सेक्टर बी, 34 सेक्टर बी से। और आज मैं आया हूँ कार्निवल फेस्टिवल देखने, जो कि दुबई कार्निवल फेस्टिवल है और काफ़ी अच्छा फेस्टिवल हुआ है यहाँ पे स्टार्ट। तो ये 12 नवंबर तक चलने वाला है। अगर आप लोग भी प्लान बना रहे हो तो ज़रूर आए, काफ़ी अच्छा फेस्टिवल है। और आप देख सकते हैं कि कैसी कैसी यहाँ पे देखने को मिलती है चीज़ें, और पूरा प्रॉपर दुबई वाला लुक में इसको बनाया गया है। तो मैं आपको पूरा, अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। और अगर आपका भी मन है यहाँ आने का तो आप आ सकते हैं और अपना दुबई कार्निवल फेस्टिवल को इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और इंजॉय करें। तो गाइज, अभी हम पहुंच गए हैं कार्निवल फेस्टिवल में, और कार्निवल फेस्टिवल में आज मेरे साथ है मेरा फ्रेंड रजनीश। तो ये है सिरमौर से। तो आज हम दोनों देख रहे हैं कार्निवल फेस्टिवल, दुबई कार्निवल फेस्टिवल। तो आप पूरा देखिए इस वीडियो को, आपको भी आइडिया हो जाएगा कि कैसा ये फेस्टिवल। और आप अगर चंडीगढ़ में हो या कहीं पर भी हो तो ये 12 नवंबर तक चलने वाला है, तो आप आएँ और इन्जॉय करें। तो गाइज़, ये है एंट्री हो रही है अभी हमारी यहाँ से। और एंट्री में बात करें गाइज, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप रहते हो चंडीगढ़ के नज़दीक तो यहाँ ज़रूर आए कार्निवल फेस्टिवल को इंजॉय करने के लिए। तो गाइज, इन्होंने जो डेकोरेशन की है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। दुबई के हिसाब से इन्होंने हर चीज़ डेकोरेशन बनाया हुआ है। लाइक अगर दुबई कार्निवल नाम दिया है तो यहाँ पे दुबई की तरह हर चीज़ इन्होंने डेकोरेट की है। बाकी आपको शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट राइट साइड मेरे, आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएगी और बाकी आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप की फ़न एक्टिविटीज़ भी होती है, शॉपिंग के लिए भी होता है, और साथ में आपको फूड भी मिल जाएगा डिफरेंट टाइप का यहाँ पे। तो आप यहाँ आएँ और अपने डे को इंजॉय कर सकते हैं। बाकी बात करें अगर ये कितने बजे से स्टार्ट होता है, तो 12-1 बजे के बाद दिन में ये स्टार्ट हो जाता है। बट आपको अगर इस टाइप की लाइटिंग चाहिए तो आप शाम के टाइम ही आइए। इवनिंग के टाइम पे रश भी होता है और इवनिंग टाइम पे ये आपको जो डेकोरेशन है वो अच्छी लगती है ज़्यादा, क्योंकि दिन में इतनी अच्छी नहीं लगती जब तक लाइट्स नहीं लगी होती है। तो वैसे 12 से 10 बजे तक ये प्रोग्राम चले रहते हैं यहाँ पे, या ओपन रहता है। तो आप इस टाइम पे आप अपने हिसाब से आ सकते हो। मैं एक बार आप लोगों को एक राउंड करवा देता हूं कि ये यहाँ पे क्या क्या चीजें ऐसे मेले की देखने को मिलेगी, या आप जब हम छोटे होते थे तो गांव में काफी तो मेले होते थे। पहला तो यहाँ पे है, साल में ये यहाँ दो तीन जगह जो झूले हैं, 10-15 किलोमीटर का एरिया होता था, तो साल में वहाँ पे जरूर ऐसे मेले लगते थे। तो मेलों में ऐसी एक्टिविटीज जैसे कि झूला झूलना ताजा करते हैं और ये बंदूक वाली गोली चलाना या फिर कुछ भी है फन एक्टिविटीज करना, तो सालों से हम वेट करते थे। लाइक एक साल पूरा वेट करना, फिर उस मेले को इंजॉय करने जाना वहाँ पे, फिर खाने के लिए वहाँ पे जलेबी पकौड़े वो सब कुछ मिलता था। तो गांव में ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। तो आज वो दिन याद आ गए हैं कि यार उस टाइम पे हमें ये चीज़ें मिलती थी, ऐसा होता था। तो आज काफ़ी अच्छा लग रहा है, अगेन अपनी एक बचपन की लाइफ को दोबारा से रिपीट होते हुए देखते हुए कि हम ऐसी चीज़ें बचपन में करते थे। तो आज भी कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं जो बचपन में हम करते थे,
बाकी आप लोग भी आ सकते हो, अपने बच्चों के साथ भी आ सकते हो, और आप लोग भी आ सकते हो फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हो, और इन्जॉय कर सकते हो इस कार्निवल को। Potential is deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. बाकी यही लोगों को आप देख सकते हैं यहाँ पे डांडिया डांस भी कर रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत लगता है जब एक साथ इतने सारे लोग डांस करें, काफ़ी अच्छा लगता है। Could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. तो गाइज अगर बात करें यहाँ की, यहाँ पे 30 रुपीज़ की टिकट मिलती है। 30 रुपीज़ में आप अंदर सारा घूम सकते हो, अंदर खाने पीने के लिए, शॉपिंग के लिए और फन करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप आके यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो अपना। तो अगर आप भी कुछ फन करना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं डिफरेंट प्लेस, तो कार्निवल फेस्टिवल आजकल चला है, तो आए और इंजॉय करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। आप लोगों को ये दुबई कार्निवल फेस्टिवल वाला ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी के लिए इस ब्लॉग से लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और नए प्लेस के साथ, कुछ और नई वीडियो के साथ। तो अभी के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर।